बारे में कम सोचते हैं आजकल, यही ज्यादा चल रहा है राजनीति के बारे में। हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते देखा, हमने मंदिर को बनते देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइली और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, हम मीरा रोड और भाईंदर के हर एरिया में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से उनका मत जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या परेशानियां हैं या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसको अपना उम्मीदवार चुनते हैं या फिर देखते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम लोग हैं भाईंदर वेस्ट में, भाईंदर वेस्ट की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना उम्मीदवार किसको चुनते हैं या फिर किसको अपना उम्मीदवार देखते हैं, यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। चलिए आइए देखते उनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा वसीम अंसारी है। क्या लग रहा है अभी की राजनीति देख के? राजनीति क्या अच्छा किस मोड पे चल रही है? राजनीति अभी क्या बताएं किस मोड पे, सब अपने अपने उसमें रहते हैं, काम धंधे के बारे में, पब्लिक के बारे में कम सोचते हैं आजकल, यही ज्यादा चल रहा है राजनीति के बारे में। अभी जो शिंदे गुट है और उद्धव ठाकरे गुट है, उन दोनों के उम्मीदवार खड़े हैं मीरा भाईंदर से, क्या लग रहा है कि कौन आएगा जीत के? ये तो तभी पता चलेगा जब वोटिंग खुलेगी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से किसी को कुछ कह नहीं सकते कुछ भी। आपकी जो समस्याएं है, मीरा भाईंदर की जो समस्या है, वो जानने कोई आता है नेता यहाँ पे? हाँ, आते हैं कोई एक दो नेता हैं जो आते हैं, समस्या जानते हैं सब, वो हल हो रही है समस्या है। हाँ, एक दो समस्या है जो हल हो रही है जी, होती है, जो वादे एक दो बोलते हैं वो पूरे एक दो करके दिखाते हैं, वो दिखा रहे हैं यहाँ के नेता जो वादे करते हैं वो। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संदीप महाड़िक। संदीप महाड़िक, यहाँ के ही रहने वाले मीरा भाईंदर के? इधर के। क्या लग रहा है आपकी राजनीति देख के? चल रहा है, इधर सब काम चल रहा है, रस्तों का जल्दी होता नहीं है, जल्दी जी परेशानियां हो रही है, उसके वजह से दिक्कत है थोड़ी। तो आपने किसी से बात करने की कोशिश की, यहाँ के जो नगर सेवक है या फिर कोई भी राजकीय नेता है उनसे? नहीं, हमने किसी से नहीं। यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए कि क्या परिस्थिति है लोगों की? आते हैं तो? देखते हैं, हमारे गली का काम थोड़ा जोर शोर से हो गया, इलेक्शन की वजह से हो रहा है वो तो आइडिया नहीं, लेकिन ये गली ने तो अच्छा कर दिया पता। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? भाईंदर में तो बीजेपी का ही बीजेपी आएगा। यहाँ पे आके गए नरेश मस्के जी जो है मायूति से खड़े, वो आके गए हैं? जी नहीं, नहीं आए अभी तक। 20 मई को इलेक्शन होने वाला है, अभी तक आपके पास वो प्रचार करने या फिर जो उम्मीदवार है वो नहीं आके गया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेता खड़ा है? ये तो जरूर है, सब आनी चाहिए, सब में बोलना चाहिए कि इलेक्शन है, करना चाहिए सब लोग। आपको लग रहा है ऐसे करना चाहिए? प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आ रहे बात करने? आना चाहिए एक्चुअली, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इलेक्शन है, ये सब बातें होनी चाहिए, पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ कि इलेक्शन है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे प्रचार करना चाहिए उन लोगों ने या फिर कैसे आप तक पहुँचे? ऐसे गली मोहल्ले से प्रचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना सबको। जी, जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। क्या लग रहा है आपकी बार कौन आएगा? मोदी सरकार। मोदी सरकार, ओनली मोदी सरकार। क्यों क्यों लग रहा है ऐसा? तो यही चाहिए हमको, दूसरा कोई भरोसा ही नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्या भरोसा नहीं, कितने आतंकवादी कैसे किस तरह से विचार विवाद हुए थे जी, काफी टाइम से हुए थे ना, दंगे प्रसाद 26/11 किसके राज्य में हुए, उनके राज्य में हुए, तरस रही थी सब लोग, मोदी सरकार अच्छी सरकार है और इनको ही देना है। मैं तो बोलता कृपया करके सब लोग, सब लोग एक तरफा वोट करें कि 400 के प्लस हो जाए। अभी तो भाजपा को सीट नहीं मिली है, शिवसेना का जो शिंदे गुट का गठबंधन है ना मैडम, तो उनके उनके खाते में आने वाली नहीं है, तो क्या बात है, सीट तो उनको ही देना है, तो उनके उनके हक में ही है और होना भी चाहिए वैसी चीजें, और नहीं हुई तो अपने लिए फिर बेकार चीजें। अच्छा, तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए? नहीं आएगी तो सीधी सी बात है मैडम, फिर पूरे समाज को नमाज पढ़ना पड़ेगा। जी जी जी, और भी भाई है हमारे, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका?
बाबू क्या क्या कर रहे हैं अभी? धंधा कर रहे हैं। क्या पानी पूरी का? हाँ, हाँ। अच्छा से चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। कस्टमर है अच्छे? हाँ, अच्छे अच्छे। क्या लग रहा है अब की राजनीति देख के? मोदी आएगा अब की बार 400 पार होगा। हाँ, होएगा। क्यों लग रहा है ऐसे? काम अच्छा कर रहे हैं इसके लिए उसका नाम आ रहा है। क्या यहाँ पे भाईंदर में क्या काम हुआ है? काम तो अच्छा ही हो रहा है। क्या हुआ? धंधा पानी पूरी खत्म कर दिया। पानी पूरी का धंधा खत्म कर दिया अंकल? तो बोल रहे बहुत अच्छे से हो रहा है। राहुल आएगा? राहुल गांधी आएंगे? सीधा आएगा राहुल गांधी। क्यों ऐसा लग रहा है? राहुल गांधी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। कांग्रेस ने अच्छा काम किया पर अभी तो भाई साहब बोल रहे भाजपा आएंगे। ये भाजपा का, हम कांग्रेस का है। अच्छा, तो ये किसका स्टॉल है? आपका स्टॉल है? आगे हमारा इधर। अच्छा, तो दो स्टॉल वाले आपस में झगड़ा करेंगे, कांग्रेस आएगा भाजपा आएगा? अच्छा, कैमरे के सामने भाजपा वाले बन रहे हैं क्या? भाजपा भाजपा जी, भाजपा आएगा जी। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है आपका? शानवाज है। क्या लग रहा है हवा आपकी, अब की बार कौन आएगा? कांग्रेस। कांग्रेस आएगा? अभी तो ये भाई साहब बोले भाजपा आएगा। नहीं नहीं, कांग्रेस आएगा। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? कांग्रेस आएगा? भाजपा ने कुछ किया ही नहीं हमारे घर भाई। कुछ नहीं किया यहाँ पे? कुछ नहीं। तो क्या आप चाह रहे हैं कि सरकार आने के बाद क्या बदल हो? बस गाँव में हमारे बदल हो जाए और लोगों की परेशानी खत्म हो जाए, जो तकलीफ में लोग है उनका अच्छा हो जाए। खाली नाम के लिए आए और दिखावा करके कोई मतलब नहीं। कुछ अच्छा करके दिखाओ, लोगों को दिखना चाहिए, जनता बोलना चाहिए कुछ किया है। कुछ कर रहे नहीं तो मालूम कैसा पड़ेगा? भाजपा वाले तो बोल रहे हैं हम लोग ने विकास किया, हमको तो कुछ दिख रहा ही नहीं किधर विकास नहीं दिख रहा, सब लूटने का ही लग रहा है जी। और कुछ नहीं, कांग्रेस आएंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी पक्का जी। धन्यवाद। और भी लोग उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम है आपका? पशुपति गुप्ता। यहाँ पे ही रहते हैं मीरा भाईंदर में? हाँ। क्या लग रहा है आपके बार कौन आएगा? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, क्यों लग रहा है ऐसे? काम किया है। क्या काम किया है? राम मंदिर दिया है। राम मंदिर दिया है? राम मंदिर दिया है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते देखा, हमने मंदिर को बनते देखा। तो मीरा भाईंदर के लिए क्या किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया है। रोड, आरसीसी रोड देखे ने, दुनिया भर का दिया है। तो यहाँ पे जो महायुति के जो नरेश मस्के जी है वो आके गए हैं? अभी तो कभी अभी आए नहीं, उनका चेहरा तक भी नहीं देखे। तो फिर किस हिसाब से आप? मोदी के चेहरा पे। मोदी की जी के? अच्छा, मोदी जी के चेहरा पे वोट देना है? मोदी जी के चेहरा। हम मोदी को जानते हैं। अभी कौन आया, कुत्ता बिल्ली बिलार कौन आ रहा है उसे लेना देना नहीं है, हमको मोदी जी के चेहरे पे वोट देना है जी। तो अब की बार 400 पार? 407। 407 लोग तो 400 भी नहीं बोल रहे, हम तो 407 बोल रहे हैं जी। क्योंकि हमको जो जनवादी का जगह हम लोग का हड़प के रखे हैं, 407 आता है तो पूरा कानून मोदी जी के हाथ में रहेगा, फिर वो जगह रिटर्न मिलेगा हमको जी। इसके लिए 407 जी जी जी। देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं 407 होगा, 400 पार नहीं 407 होगा। देखते हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, क्या करते हैं आप? स्टडीज करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, आर्टिकल चल रहा है। आपको पता है 20 मई को वोटिंग होने वाला है, महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों भी उम्मीदवार है जो शिवसेना गुट से, जो एक शिंदे गुट से है और एक उद्धव ठाकरे गुट से। तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, क्यों नहीं बोलना चाह रहे? आप तो युवा है, आपने तो बोलना चाहिए। हाँ, तो वो हमारा वोट है, हमें पता है हमें जिसको देना रहेगा। हम वोट किसको भी दो, वो नहीं मैं पूछ रही हूँ आपको, वोट आपका है वो सुरक्षित। सॉरी मैं जरा जी, ठीक है आप बात नहीं करना चाहिए। लोगों को ना बहुत परेशानियां हैं पर लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। लोग ऑफ कैमरा ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत परेशानियां हैं, हमको सरकार से ये चाहिए वो चाहिए, पर जब भी कैमरा देख रहे हैं ना लोग भाग जा रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। चाय का धंधा कर रहे? यस। तो चाय वाला तो पंत प्रधान बन गया। हाँ, तो अब की बार कौन बनेगा? मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। मैंने ऐसे सुना है कि चाय से चर्चा चालू होती है और चाय पे ही चर्चा खत्म होती है। मोदी है। तो आपके इधर में कोई चर्चा हो रहा है? चाय का मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी, मोदी 400 पार। 400 पार। यहाँ पे मीरा भाईंदर में क्या स्थिति है? मीरा भाईंदर में राजस्थान में वोट दे गया। मीरा भाईंदर अभी आया हूँ, राजस्थान में वोट दे गया जी। राजस्थान से है आप? क्या राजस्थान में? बीजेपी। बीजेपी। और यहाँ पे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अभी मॉल देखा नहीं, हमें आया दो चार दिन हुआ है, लेकिन राजस्थान में चाय पीने के लिए लोग आ रहे हैं तो बीजेपी का चर्चा, बीजेपी का चर्चा है, चाय की दुकान में चर्चा होती है वो बीजेपी बीजेपी के बारे में। जी जी जी, जैसे कि आप सबने सुना कि चाय पे भी चर्चा हो रहा है बीजेपी का, चाय पे भी चर्चा हो रहा है मोदी जी का, तो अभी एक और है उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, हर लोग जो है वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल जी। आपको लग रहा है तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे? यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो है राजन विचारे जी अपोजिशन में, नरेश मस्के जी है, तो दोनों में से कौन सा कैंडिडेट ज्यादा अच्छा लग रहा है? राजन विचारे। राजन विचारे तो महाविकास आघाड़ी से है। भाई साहब ना हम पबजी खेलने में बहुत बिजी है, थोड़ा दे दीजिए ध्यान महाराष्ट्र के पे भी। बोलिए क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगा। बीजेपी से तो अभी बीजेपी को तो सीट नहीं मिली है, बीजेपी की तौर से शिवसेना का वो मिली है शिंदे गुट को, वहाँ से नरेश मस्के जी है, तो लग रहा है आपको नरेश मस्के जी आएंगे? फिलहाल हाँ शायद लग रहा, कुछ लग रहा जी। या फिर मीरा भाईंदर में कुछ प्रॉब्लम है आपको? इतने सालों से आप ये लगा रहे हैं कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आते हैं लोग अपनी समस्याएं, मतलब आपकी समस्या जानने के लिए कोई नेता वेता आता है? हाँ आते हैं। समस्या सॉल्व हुई है अभी? हुई है। हुई है जी। आपकी बार 400 पार होगा? यस जी जी जी। ठीक है, जैसे कि आप सबने देखा हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की यहाँ पे, बहुत लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की, हर कोई मोदी जी के बारे में बात कर रहा है। अभी मोदी जी आएंगे या फिर दूसरा कोई आएगा, 400 पार होगा या 407 आएगा, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, आपको कुछ लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली सर के MB Live।